छिंदवाड़ा के अरनपुर इलाके में सर्पदंश से पीड़ित युवक की पत्रकारों और फोर्स ने मिलकर जान बचाई। धान कटाई के वक्त जहरीले सर्प ने नीला वाया गांव में युवक को दस लिया था। गश्त में निकले जवानों ने पोटाली कैंप में इलाज किया तो पत्रकारों ने एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज हेतु अपने कैंप लाया गया पोटाली, पोटाली से फिर डॉक्टर से संपर्क करके एम्बुलेंस बुलाया गया। एम्बुलेंस भी यहाँ पहुँच गई और जो जिसको सांप काटा है उसको भी हमने एम्बुलेंस से अभी उचित उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब क्या स्थिति बनी हुई है युवक की? और कहीं ना कहीं देखें बहुत अच्छा सराहनीय काम पत्रकारों ने भी और पुलिस बल ने भी किया है। बिल्कुल सही बात है, ये कोटाली इलाके की घटना है। दंतेवाड़ा से मीडिया कर्मियों का एक दल गया था, स्वराज एक्सप्रेस की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी। वहां पर नीलावाया गांव के एक हड़वा नाम के आदमी को सांप ने काटा था, जिसे कोटाली कैंप के जवानों ने अपने पहले तो वे कैंप में लेकर के आए जैसे तैसे, उसके बाद उसे स्नैक का जो डोज होता है वो दिया गया। उसके बाद पत्रकारों ने वहां पर नेटवर्क नहीं होने के बाद भी इधर उधर कैसे निकल के नेटवर्क को खोजा। वहां समेली सीएससी पड़ता है, वहां से संपर्क करके वहां से एक एम्बुलेंस को बुलवाया जी। बुलवाने के बाद में हड़मा नाम के उस व्यक्ति को उस गाड़ी पर बैठा लिया और दंतेवाड़ा भिजवाया गया। अभी हड़मा की बिल्कुल खतरे से बाहर है, बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस तरीके से पुलिस और मीडिया ने मिल करके अपना उत्तरदायित्व उस इलाके में निभाया और पहले जो मदद होती है उस ग्रामीण को पहुंचाई जी। पंकज, जिस तरह से जहां पर खेत में सांप ने काटा है कि ऐसी वारदातें पहले भी वहां पर हो चुकी हैं? क्या है कि जो लखमा है जो खेत में काम करने गया हुआ था, खेत काफी जंगल का इलाका पड़ता है, जहरीले सांप वगैरह भी रहते हैं, तो काम करते वक्त ही किसी जहरीले सांप ने उसे डसा। हालांकि उसी इलाके में गश्त के जवान निकले हुए थे, ये अच्छी बात है कि जवानों ने देखा और तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और ग्रामीण को लेकर के वे कैंप तक पहुंचे और पत्रकार भी वहां मौजूद थे, इसलिए जो मदद थी वो जल्द से जल्द उसे मिली और वो आज वो सुरक्षित है, उसका जीवन बचा हुआ है जी। वाकई अब अस्पताल में भर्ती जिस तरह से कराया गया है, परिजन भी वहां पर पहुंचे होंगे, अब क्या कुछ हालात बनी हुई है, कैसी हालत बताई जा रही है? खतरे से बाहर है और भी यहाँ मौजूद है दंतेवाड़ा में और कल तक उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी और घर भी पहुंच जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, जिस जानकारी को साझा करने के लिए।